हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए करवा चौथ स्पेशल आउटफिट। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ वो ओनली करवा चौथ स्पेशल वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। आज मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप के ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ जो आप लोग करवा चौथ पर पहन सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लेडीजों के लिए करवा चौथ कितना स्पेशल फेस्टिवल है और इतने स्पेशल फेस्टिवल पर हर कोई बहुत अच्छा दिखना चाहता है। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी और स्पेशल ड्रेसेस लाई हूँ। साथ में ही आप लोग इस वीडियो में ये भी देख सकते हो कि करवा चौथ पर आप लोगों को किस तरीके से रेडी होना चाहिए, वो उसके आइडियाज़ भी आप इस वीडियो से ले सकते हो। किस टाइप की आप लोगों को ज्वेलरी पहननी चाहिए करवा चौथ पर बहुत ही अच्छी लगे, तो उसके आइडियाज़ भी आप लोग इस वीडियो से ले सकते हो। साथ में ही मैं पूरे कपड़ों की डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ये कपड़े मैंने कहाँ से परचेस किए, कितने रुपये मीटर लिए, सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। शुरू करते हैं पहली ड्रेस। तो ये पहली ड्रेस है, रेड कलर की ओढ़नी है, ग्रीन कलर का लहंगा है, बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस है। इसके कॉम्बिनेशन में मैंने येलो कलर का ब्लाउज पहना है। आप लोग और भी कोई सा ब्लाउज पहन सकते हैं। बात करें हम ओढ़नी की, तो ओढ़नी मैंने फैब्रिक लेके ओढ़नी बनवाई है अलग से कपड़ा लेकर। इस तरीके से आप भी बनवा सकते हैं। यह नेट की ओढ़नी है जो मैंने मार्केट से परचेस की है, नेट का कपड़ा लिया है और फिर उस पर लेस लगवाई है। इस तरह की ओढ़नी आप लोग भी बनवा सकते हैं। अगर आप लोग जयपुर शहर से बिलोंग करते हैं तो सांगानेर या सिटी मार्केट में आप लोगों को इस टाइप की ओढ़नी मिल जाएगी। ये डेड पार्ट की पूरी ओढ़नी है और कपड़ा लेकर मैंने इस पर लेस लगवाई है, बहुत सुंदर सी। मैंने इस ओढ़नी में दो लेस लगवाई है, किनारों पर मोती वाली लेस लगवाई है और बीच में मतलब बॉर्डर पर इस तरह की लेस लगवाई है, सीक्वेंस वाली, बहुत ही सुंदर सी ये लेस है। इस तरीके से आप लोग भी ओढ़नी रेडी करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ओढ़नी लगती है। ये ओढ़नी मुझे 100 रुपये मीटर मार्केट में मिली है, तो आप लोग इस तरह की ओढ़नी परचेस कर सकते हैं और ऐसी बहुत ही सुंदर सी करवा चौथ के लिए आप लोग ओढ़नी बनवा सकते हैं। बात करते हैं लहंगे की, तो इस टाइप का लहंगा भी आप लोगों को सिटी या सांगानेर मार्केट में मिल जाएगा। सेम फैब्रिक नहीं मिले तो कुछ अलग डिज़ाइन में, लेकिन मिल जाएगा आप लोगों को इस तरह का। ये मैंने 5 मीटर लेके नेट फैब्रिक में मैंने लिया है और ये 350 रुपये मीटर के हिसाब से मैंने परचेस किया है और उसको मैंने कलियों में बनवाया है। बहुत ही प्यारा ये लहंगा है, इस पर बूटे बने हुए हैं, बड़े बड़े से फ्लावर, बहुत ही सुंदर सा इसका लुक आता है और काफ़ी सारा घेर आ जाता है इसमें 5 मीटर में कलियों में। तो ऐसी सुंदर सी ड्रेस आप लोग रेडी करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट मैंने लिया है शरारा सूट। आप लोग करवा चौथ पर इस तरह का शरारा सूट भी पहन सकते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत सारी लेडीजें ऐसी होती है जिनको साड़ी या लहंगा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो इस तरह के सूट भी पहन सकती है और उसमें कुछ इस तरह की ज्वेलरी पहन सकती है जिसमें बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। स्पेशली करवा चौथ के लिए ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तो आप लोग इस तरीके से रेडी हो सकते हैं। ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन परचेस की है, मुझे इसके साथ में दुपट्टा नहीं मिला था तो दुपट्टा मैंने अलग से परचेस किया है और ये मैंने बनवाया है। ये भी आप लोग सिटी या सांगानेर मार्केट से बनवा सकते हैं इस टाइप का दुपट्टा। ये मुझे 50 रुपये मीटर के हिसाब से मुझे पड़ा था और मैंने इसको पूरा दुपट्टे वाला लंबा पूरा बनवाया है और इसके बॉर्डर पे एक छोटी सी लेस लगवाई है, बहुत ही सुंदर सा ये दुपट्टा बना है। सूट में आप लोग कुछ इस तरह का लुक अपने आप को दे सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा ये लुक लगता है, करवा चौथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को ये सूट परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेस। तो नेक्स्ट मैंने ली है राजपूती ड्रेस, राजपूती पोशाक भी आप लोग कह सकते हैं। इस तरह की ड्रेस भी आप लोग पहन सकते हैं, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और करवा चौथ के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस है।
तो इस तरह की ड्रेस भी आप लोग ले सकते हैं, अपनी लिस्ट में रख सकते हैं जो भी आप पहनना चाहते हो। इस ड्रेस की प्राइस मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो ड्रेस है ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, तो मुझे इसकी प्राइस का कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में इसकी प्राइस नहीं शेयर कर पाऊंगी। लेकिन जो राजपूती ड्रेसें होती है वो भी आप लोगों को सांगानेर या सिटी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और वो भी काफ़ी कम प्राइस में, 1000 रुपये के अराउंड ये शुरू हो जाती है, और फिर आपके बजट के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसें होती है इनमें भी, और काफ़ी अच्छा है ये ऑप्शन करवा चौथ के लिए, बहुत ही सुंदर सा लुक आता है इसमें भी। आप लोग कुछ पूरी राजपूती ज्वेलरी के साथ रेडी होते हो तो बहुत ही सुंदर लगती है। बहुत ही प्यारी सी मेरी ये ड्रेस है जो मुझे गिफ्ट में मिली है, ये बहुत ही सुंदर सी है, काफ़ी अच्छा इसका दुपट्टा है, ओढ़नी है, मतलब इस पर पूरी ओढ़नी पर वर्क है, जरी वर्क है, इसको जरी वर्क कहते हैं जो राजपूतों में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो लहंगा भी बहुत ही प्यारा है, इस पूरे लहंगे पे वर्क है और इस पर भी जरी का वर्क है स्टोन के साथ में, बहुत ही सुंदर सा ये लहंगा है। राजपूती जो पोशाक होती है उनमें घेर इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत ही सुंदर लगती है पहनने के बाद में, कम घेर होता है फिर भी ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस पर इस तरह का वर्क है बहुत ही सुंदर सा, जिसमें केरी डिज़ाइन में वर्क किया हुआ है, पीकॉक बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा वर्क है। इस तरीके की ड्रेस भी आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी ड्रेस भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट मैंने लिया है साड़ी। साड़ी तो आप सभी को पता है लेडीजों की आजकल फेवरेट बनी हुई है, साड़ी तो हर कोई पहनना चाहता है, तो साड़ी भी आप लोग करवा चौथ पर पहन सकते हैं। ये साड़ी मैंने सिटी मार्केट से परचेस की है, इस पूरी साड़ी पर बहुत ही सुंदर वर्क है, जरी वर्क है, और ये शिफॉन फैब्रिक में है, बहुत ही सुंदर सी ये साड़ी है। तो इस तरह की साड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छी साड़ी है ये। अगर इस तरह की साड़ी आप लोगों को भी चाहिए और आप लोगों को डिटेल जाननी है कि जयपुर में साड़ियाँ अच्छी कहाँ मिलती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ से मैंने परचेस की है, काफ़ी फेमस मार्केट है जयपुर का वो। तो इस तरह की साड़ी भी आप लोग करवा चौथ के लिए रख सकते हैं, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा सा लुक आता है साड़ी का, क्योंकि पूरी साड़ी पर जरी वर्क है, और इस तरह का जो वर्क होता है वो करवा चौथ के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, हेवी साड़ी अच्छी लगती है करवा चौथ पर। तो इस तरह की साड़ी आप लोग ऑप्शन में रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी ये साड़ी है। आज के लिए इतना ही, आप लोग करवा चौथ के लिए इनमें से कोई भी आउटफिट पहन सकते हैं, इस तरह के बनवा सकते हैं। और नई वीडियोस के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि किस टाइप के कपड़े आप लोगों को देखने हैं, तो मैं उसी पर वर्क करूंगी और आप लोगों के लिए उसी के लिए आइडियाज लाऊंगी, कपड़े दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को कुछ नया आइडिया मिल पाए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग वीडियोज़।